अगर आपकी कंपनी आपका पीएफ अमाउंट जमा नहीं कर रही है तो आप ऐसे में क्या करेंगे, ये जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जाने कि क्या है आपके इसमें अधिकार। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम के चलते पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों की ओर से पैसा जमा किया जाता है, और अगर एम्प्लॉयर पैसे डिपॉजिट नहीं कर रहा है तो इस स्कीम में आपको बताया जाएगा कि क्या करना होगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक ऐसा अकाउंट है जो किसी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट पर अच्छा अमाउंट देता है, लेकिन उसके लिए ये ध्यान रखना है कि इसमें टाइमली एम्प्लॉय की सैलरी और कंपनी की तरफ से पैसे डिपॉजिट होते रहें। ईपीएफ अकाउंट के तहत एम्प्लॉय और कंपनी दोनों की तरफ से इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। अगर कुछ टाइम से आपके पीएफ अकाउंट में पैसा जमा नहीं हो रहा, जिसे आप पीएफ अकाउंट की डिटेल से जान सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर आपके अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर रहा है, कंपनियों की ओर से कर्मचारियों के ईपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने में फेल होने की कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। तो अब आइए ये जान लेते हैं कि अगर एम्प्लॉयर पैसा जमा नहीं करे तो ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर कर्मचारियों की तरफ से ईपीएफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो कर्मचारी ईपीएफओ से कॉन्टैक्ट कर सकता है, उन्हें इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही एम्प्लॉयर ईपीएफ शिकायत सिस्टम पोर्टल पर कंप्लेंट फाइल भी कर सकता है, और फिर पीएफ ऑफिसर के पास एक रिटन कंप्लेंट फाइल कराई जा सकती है। कंप्लेंट फाइल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जिसमें सबसे पहला कर्मचारी को कटौती जमा नहीं होने का सबूत यानी ईपीएफ अकाउंट डिटेल देनी होगी। इसके साथ ही सैलरी स्लिप और ईपीएफ स्टेटमेंट की जानकारी देनी होगी। अब अगर ये कंप्लेंट सही साबित होती है तो कंपनी या एम्प्लॉयर को बचा हुआ पूरा अमाउंट डिपॉजिट करना होगा, और इसके बाद उस अमाउंट पर एनुअल इंटरेस्ट जमा किया जाएगा। क्या आपका भी पीएफ अमाउंट नहीं मिला है तो ये वीडियो आपके बेहद काम की आएगी। ऐसी और डिटेल्ड और जानकारी वीडियो के लिए हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।